हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दो यात्री मी एंड यू। आज की वीडियो में हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण और राधा के धाम वृंदावन धाम में। वृंदावन घूमने के लिए आप बाई ट्रेन मथुरा आ सकते हैं और मथुरा से आप वृंदावन आ सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 14 किलोमीटर की होगी और दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 160 से 170 किलोमीटर की है। वृंदावन कैसे घूमना है इसके बारे में डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जहां मैंने मथुरा और गोकुल को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वीडियोस को जाकर के देख लेना। वृंदावन पहुंचने से पहले एक ही दिन में आप मथुरा और गोकुल को बाय ऑटो 800 से 1000 रुपए में अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। इसके अलावा अपनी सुविधा के अनुसार आप कैब, टैक्सी वगैरह भी हायर कर सकते हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। मेरा लुक देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं वृंदावन पहुंच चुकी हूँ। अभी हम दोनों यहाँ वृंदावन पहुंच चुके हैं और हमने एक रूम ले लिया है यहाँ पर। आज स्टे करेंगे यहाँ पर। प्रेम मंदिर में आपको लेके चलूंगा क्योंकि रात का व्यू वहाँ का बहुत सुंदर आता है। आपको मैं अपनी इस बैल्कनी से कैसा वृंदावन दिखाई देता है वो दिखाती हूँ। तो चलिए, वृंदावन के इस सफर में मैं आपको बारी बारी वहाँ के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराऊंगी और उस अभी हम हैं इस्कॉन।
लाइफ साइकिल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगले दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ। वृंदावन आने का सबसे बड़ा कारण है बिहारी जी के दर्शन। तो चलिए बांके बिहारी के मंदिर में, जहाँ की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत ज्यादा भीड़ है। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने वहाँ से निकाला, अब ये फंस चुका था। लेकिन क्या भव्य नजारा था वहाँ का, देखते ही मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हम सच में भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से प्रेम गली और निधि वन। हम पहुँच चुके हैं निधि वन। निधिवन का गेट बोलिए वृंदावन की हरी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ये जो आप लोग देखते हैं भगवान का, ये मंदिर का नाम बोलते हैं भगवान का श्री निधि वन। निधि माने होता है खजाना और वन माने होता है जंगल। ये पूरा वृंदावन धाम जो है एक ऐसा तुलसी का जंगल था, आज से 5000 वर्ष पहले। वृंदा नाम तुलसी का और वन नाम जंगल का, तो नाम हुआ वृंदावन। वृंदा वंशो वन नहीं नंद गाँव सो गम, और वंशी वर्षो वर्ष श्री कृष्ण नाम सो नाम। इस वन के अंदर में आप लोग जितने भी वृक्ष देखेंगे, ये सभी वृक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पेड़ राधा है और एक पेड़ कृष्ण है। एक प्राण तो यही राधा कृष्ण समय, राधा में कृष्ण है कृष्ण में राधा है। सभी वृक्षों का जो प्राण है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिन में ये वृक्ष बन जाते हैं, यही वृक्ष रात के समय में राधा कृष्ण का रूप धारण करके आज भी इस वन में कन्हैया रात को रास चाने के लिए आती है। के मधुबन में राधे बातें यहीं पर बैठ करके जो है तपस्या किया था हरिदास बाबा ने, जो कांचन के बोलते संत हरिदास बाबा। साधना करने के बाद में हरिदास बाबा ने इस वन से इस मूर्ति को जन्म से प्रकट किया। वो मूर्ति दर्शन आपको ये मंदिर के बाहर प्रस्तुत कराऊंगा। यहाँ का मुख्य मंदिर का दर्शन है वृंदावन हरि दाऊ जी का, जिसके लिए आप लोग वृंदावन वृंदावन भूमि कर दिया। वृंदावन में जो आके हंसेगा उसका घर परिवार वृंदावन में बसेगा, जो रोएगा वो अपना लेना खोएगा। ये प्रेम भूमि में करेंगे। राधे राधे। वृक्ष रात को देखिए, आज भी ये चमत्कार है भगवान का ही चमत्कार। ये भगवान का जो है राधा रानी का ललिता विशाखा कुंड का दर्शन है। जब इस वन के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज लीला किया, लीला करते समय भगवान श्री कृष्ण के गोपियों को जब प्यास लगी थी तो भगवान ने अपने बांसुरी से खोद करके इस कुंड को बनाया, तो नाम कहलाया ललिता विशाखा कुंड। ताली बजा लो हंसी कर राधे राधे। राधे 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 राधे। करके देखते हैं वो लोग मर जाते हैं, उनकी समाधियां बनती हैं। अच्छा अच्छा। बांके बिहारी मंदिर के आसपास जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं ना, उनकी छटा तो देखते ही बनती है। और क्या बाजार लगती है वहां पर।
वृंदावन धाम के पूरे दर्शन हमने कर लिए, मथुरा हम घूम चुके हैं, हमने अपने रूम से चेकआउट भी कर लिया है फिलहाल। अब हम जा रहे हैं आगरा की तरफ, तो आगरा चलते हैं। अभी आगरा में जाके पहले हम रूम लेंगे और नियर बाई लोकेशन देखेंगे कहाँ पर घूमने का है और हाँ। सिटी कैसी है हाँ। और हम यहाँ से कैसे जाएंगे तो वो आपको हम बाद में बताएंगे। वैसे अभी हमने बताया कि यहाँ से बस नहीं है, हम बस में जाने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे आगरा के आगरा फोर्ट में। आई होप कि घर बैठे बैठे आपको भी मथुरा और वृंदावन की गलियों का नज़ारा देखना अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अगेन।